ये मस्जिद कुछ असामाजिक तत्वों के निगाहों में ऐसी खटक रही है कि इसको किस तरह से निस्त नाबूद किया जाए और मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं देश में। ये सब सियासत है, मुसलमानों को परेशान करना है। जो इनके विधायक हैं, इनके सांसद हैं, वो खुले में कह रहे हैं कि हाँ इनको घेरो और मारो। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि मुसलमानों का कहीं पर भला हो कहीं पर अच्छा हो। जो यहाँ हमारा विवाद है वो GDA और हमारे बीच है, नेताओं को तो इससे को लेना देना है ही नहीं। हम लोग मोमिन लोग हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको शांति की सीख दी है। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है। गोधरा का डॉन आज क्या नाम कहते हैं हमारे भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनता। नहीं, मुसलमान कभी न कमज़ोर था न कमज़ोर होगा। वो प्रधानमंत्री अपने उससे नहीं बना, वो एक टेक्निकल प्रधानमंत्री बना है जिसको EVM मशीन का प्रधानमंत्री कहा जाएगा। जो लोकल नेता है सब उनका कराधरा है और किसी कुछ नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में, जहां ये जामा मस्जिद है इंदिरापुरम की, जो सिर्फ एक मस्जिद है इस पूरे इलाके में। लेकिन मैं बता दूं आपको, मुसलसल पिछले काफ़ी दिनों से यहां के मुसलमानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है GDA की वजह से और यहां के कुछ लोकल नेताओं की वजह से। अब मामला ये है कि मस्जिद पर मुसलसल पुलिस तैनात की जा रही है और जो लोकल के नेता हैं वो कभी भी पुलिस को लेकर यहाँ आ जाते हैं अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए और मुसलमानों को डराने के लिए। अभी दो दिन पहले भी यही हुआ कि बाकायदा पूरी रिजर्व फोर्सेस यहाँ तैनात की गई और जो लोकल नेता थे उनके साथ पुलिस यहाँ मौजूद हुई, पुलिस यहाँ पहुँची और यहाँ बाउंड्री वॉल कराने का काम शुरू किया गया। जो मस्जिद का गेट तोड़ा गया था वो अभी तक नहीं बनवाया गया है। यहाँ के जो मुसलमान हैं इलाके के, उनकी डिमांड ये है कि मस्जिद का जो दरवाज़ा है, जो मस्जिद का गेट GDA की तरफ से आकर पुलिस ने तोड़ा था और कुछ लोकल के नेता थे और कुछ तंजीमें ऐसी थीं जो नारे लगा रही थी जय श्री राम के, उनके ज़रिए जो दरवाज़ा तोड़ा गया था उसको फौरी तौर पर बनवाया जाए। सबसे पहले आप मेरे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, ये दरवाज़ा जो तोड़ा गया था इसके लिए आपकी डिमांड ये है कि इसको फौरी तौर पर बनवाया जाए, मुश्किलात सामने आ रही हैं कुछ? जी, हमें पूरा रास्ता चाहिए इसका और इसका कम से कम 20 फुट चौड़ा रास्ता चाहिए। कम से कम 20 फुट चौड़ा रास्ता चाहिए, ऐसा रास्ता चाहिए हमें। क्या कहा पुलिस ने, क्या कह के तोड़ा? कहते थे कि ये GDA की ज़मीन है, ये यहाँ का जो चेयरमैन है वो कहता है कि GDA की ज़मीन है, तुम कब्जा क्यों करते हो इसका, ये करोड़ों की ज़मीन है, ये हमें रास्ता चाहिए इसका। एक मस्जिद है पूरे इंदिरापुरम में, दूर दूर से लोग आते हैं, हमें इसके लिए रास्ता चाहिए। अच्छा, कोई आपने कहा कि रास्ता दिलवाया जाए, कोई मानी गई अभी तक बात? अभी कोई नहीं मानी गई है। अच्छा, कुछ नहीं माना गया? नहीं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ते हैं लेकिन रास्ता नहीं है निकलने के लिए? भाईजान, रास्ता था, पॉलिटिकल प्रेशर में रास्ता तोड़ दिया गया, ज़मीन भी हमारी है। हम तो सिर्फ ज़मीन की डिमांड नहीं करें, सिर्फ हमें रास्ता चाहिए, मस्जिद में नमाजियों को दिक्कत ना हो, नमाजियों के लिए जैसा रास्ता था ऐसा बनाया जाए, बस रास्ते की डिमांड है और कोई डिमांड नहीं है। और यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनके प्रेशर में आकर GDA पुलिस बल सब उन्हीं के प्रेशर में आकर कार्रवाई करें, एक तरफा कार्रवाई होती है, हम जाते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, जिसकी वजह से मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप पर जाके एक शिकायत भी दर्ज कराई है, इसका नंबर 1076 है, उस पर मेरी सुनवाई हुई थी, पुलिस भी बाकायदा आई थी तो पुलिस बल यहाँ से हटा लिया गया था, तो GDA के कर्मचारी नहीं पहुँचे, उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि वहाँ पर दीवार करो, ये करो, वो करो। अरे जब हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है तो इसमें पुलिस का या GDA का क्या अधिकार है? ना उनके पास कोई ऑर्डर है कोर्ट से, वो बाउंड्री वॉल के आते हैं अपनी मर्जी से, जो चाहते हैं वो कर रहे हैं बस। ये सिर्फ डराना चाह रहे हैं लोगों को, दहशत बैठा रहे हैं लोगों के मन में, PSC भेजते हैं, कभी पुलिस भेजते हैं, और ये सिर्फ ये जो पॉलिटिक्स छोटे मोटे नेता लोग हैं इनकी वजह से पुलिस आती है, ये पुलिस को पुश करते हैं पुलिस चली आती है, और जबकि GDA का कोई मामला नहीं है किसी तरह का। असल में दरअसल बात यह है, परसों तो आई थी पुलिस, इससे पहले भी तीन चार दिन पहले, उससे पहले भी आई थी, दो मर्तबा आ चुकी और पूरी फोर्स आती है। हमें यहाँ जो है माहौल एकदम गर्मा जाता है कि लोगों के फ़ोन आते हैं क्यों पुलिस आ रही है, क्या परेशानी है, और हमें डराया जा रहा है कि मस्जिद के रास्ते को बंद किया जा रहा है, मस्जिद के रास्ते पर जो है बाउंड्री करने की जो है प्लानिंग बन रही है, यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो जो है इनको फ़ोन कर यहाँ जो है भेज रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। हम बिल्कुल शांत है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम सरकार से भी ये चाहते हैं कि यहाँ इस तरीके का हमारे यहाँ कोई अमन शांति ना, तो पुलिस फोर्स को भेजें और दूसरा हमारे लिए यहाँ रास्ता दिया जाए, हमारी ये डिमांड है।
ठीक है, इस ज़मीन का जो मामला चल रहा है वो तो कोर्ट में केस चल ही रहा है, जैसे डिसाइड होगा वैसे मामला होगा। जीडीए के हक में जाती है तो जीडीए वालों की, हमारे हक में आती है तो हमारी। सर ऐसा है मतलब कोर्ट से चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये गेट 200 साल पुराना है, पहले से यही रास्ता चला आ रहा है, पहले बना हुआ था, और ये नहीं है पहला बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ गेट है, 200 साल पुराना गेट है ये, जैसे बना हुआ था वैसे ही होना चाहिए, और जैसे प्रशासन से ने मतलब ला के तोड़ा गया है वैसे ही ये बनाना चाहिए, जिन्होंने तोड़ा है वही लोग बना के दें, इसे सरकार से ये चाहते हैं हम। देखिए ये षड्यंत्र है और ये साजिश है, मुसलमानों को उभरता हुआ देख के, मुसलमानों की बढ़ती हुई क्या नाम कहते हैं कामयाबी को देखते हुए, पहले से ही RSS विश्व हिंदू परिषद और जनसंघ, और अब एक नया इनका कंपनी खुल गई है गाय बचाओ आंदोलन वाली जो टीम है, ये लोग पूरा मिलकर इनका इनकी जो इनकी कमान जो है वो बीजेपी के हाथ में है, और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि मुसलमानों का कहीं पर भला हो कहीं पर अच्छा हो। और ये आपको दिख रही है कि खूबसूरत मस्जिद, ये मस्जिद कुछ असामाजिक तत्वों के निगाहों में ऐसी खटक रही है कि इसको किस तरह से निस्त नाबूद किया जाए। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यहाँ पर किस तरह का जन आंदोलन हुआ, कुछ शिवसेना विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगा रहे थे। ना ही श्री राम ने कभी ऐसा कहा होगा, ना ही किसी भगवान ने किसी ऐसा कहा होगा कि तुम किसी धर्म स्थल को तोड़कर अपनी धर्म की नींव को मजबूत करो, ऐसा कहीं नहीं है। और ना ही हमारा इस्लाम ये चाहता, हमारा इस्लाम बहुत अच्छा है, हम लोग मोमिन लोग हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको शांति की सीख दी है। मोमिन का मतलब है कि मुसलमान ईमान वाला और दूसरे को भला बुरा ना कहने वाला और दूसरे के लिए भला ही सोचने वाला। तो अगर मोदी जी सबका विकास सबका विश्वास लेके चलते तो गोधरा का डॉन आज क्या नाम कहते हैं हमारे भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनता, वो उसकी वो कातिल है। भले आज लोग, और वो प्रधानमंत्री अपने उससे नहीं बना, वो एक टेक्निकल प्रधानमंत्री बना है जिसको EVM मशीन का प्रधानमंत्री कहा जाएगा, ना कि पब्लिक का चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसको हम नहीं कह सकते। ये विश्वास जीतने की नहीं है, ये भारत को तोड़ने की सबसे बड़ी साजिश है, और इसमें RSS हमेशा अंग्रेज़ों के सपोर्ट में रही है। आंदोलन भारत का आंदोलन में भी RSS ने इस भारत की आज़ादी के लिए कहीं पर कदम नहीं उठाए, और ये उनसे मिले हुए इसलिए ये चाहते हैं कि भारत को तोड़ा जाए और भारत में फिर कोई विदेशी हुकूमत की यहाँ पर हुकूमत हो, यह इनकी साजिश है। ये इस तरह की मुहिम पूरे देश में लोग चला रहे हैं, ख़ास करके सरकार के ऊंचे ही लेवल से, समझे ना, वो अपना ध्रुवीकरण करने के लिए अपना वोट पाने के लिए इस तरह का इस्तेमाल हुरवा कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ है, एक मस्जिद है यहाँ पे आलीशान, उसको जानबूझ करके निशाना बना रही है, उनके संगठन के लोग भी कुछ इससे जुड़ करके बार बार जो है इस पर अटैक करना चाहते हैं और मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं देश में, यही नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह का जो है हुरवा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा? नहीं, मुसलमान कभी न कमज़ोर था न कमज़ोर होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुसलमान अपने ईमान पे कायम है और किसी तरह का मतलब वो नहीं चाहता है लड़ाई झगड़ा, आपस में मेल मोहब्बत जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब को लेके चला उसी तरह से लेके चलना चाहता है। जी नहीं, ये मजहब नहीं कहता। तो फिर कौन सिखा रहा है? ये समाज वाले सिखा रहे हैं, और कौन सिखा रहे हैं? समाज वाले नेता लोग हैं, यही लोग सिखाते हैं। अल्लाह और अल्लाह का रसूल ये मजहब को आपस में विवाद नहीं चाहता, सब मेल मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में सब आज़ाद है। ये सब सियासत है, मुसलमानों को परेशान करना है, और कोई हमारा कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, हम तो अपने दीन पर आए हैं, कायम हैं और कायम इंशाल्लाह रहेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। आज़ाद घूम रहे ये तो गलत बात है, सब हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है, पर किसी भी इंसान को सोचना ये नहीं चाहिए जो ये मस्जिद है ये मंदिर है अपने अपना धर्म पाल रहा है, और पाल के देना चाहिए, चैन से रहने के लिए इंसान को देना चाहिए, सेकुंड से उसका जिसका जो अपना मुसलमान हो अपना नमाज पढ़े अपना इबादत करे, और हिंदू भाई जो है वो अपना अपने पूजा में अपना हो रहा है, इसमें वो नहीं है जो तुम हिंदू हो हम मुसलमान हैं
इसमें ये तो देश के सब बर्बादी की चक्कर में सब है। ये तो ज़्यादातर देख रहे जो मोदी जी ने हमारा ये कोई बढ़ेगा कोई काट जैसे कोई भैंस काटने नहीं देगा, कभी मुर्गा कभी ये है वो है, दुनिया ऐसे ही कुछ बना रखा है जो इन्होंने। अभी जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, उससे पहले क्या था, पहले गाय के नाम पे मारा गया, अब मोबलिंच इनके नेता जो इनके विधायक हैं इनके सांसद हैं वो खुले में कह रहे हैं कि हाँ इनको घेरो और मारो। और हम प्रधानमंत्री जी से अपने ये उम्मीद करते हैं कि जैसे वो बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास लेके चलें, बोलते हैं दिखता नहीं है तो दिखना भी चाहिए ताकि लगे हमें भी लगे, जमीन पर भी दिखना चाहिए कि है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जी बिल्कुल, जुमलों में नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो हमें भी लगे, पर हमें अभी लग नहीं रहा। इस मस्जिद से क्या परेशानी है लोगों को यहाँ की? इस मस्जिद से कोई परेशानी नहीं है, और ये मस्जिद आज की नहीं है, मैं बहुत छोटा था बचपन से देखता आ रहा हूँ, और जिस रास्ते के ऊपर ये विवाद हुआ है वो रास्ता भी बहुत पुराना है, अब का नहीं है, और यहाँ के जो लोकल नेता हैं सब उनका कराधरा है और किसी कुछ नहीं है। और जो यहाँ हमारा विवाद है वो GDA और हमारे बीच है, नेताओं को तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, मगर फिर भी लोग आ रहे हैं कर रहे हैं अपनी सियासत चमका रहे हैं। जी ठीक है, तो आपने देखा ये इनका साफ तौर पर ये कहना है, और यहाँ के जो सभी लोग हैं उनका ये कहना है कि GDA और मस्जिद के बीच का मामला है। इस पूरे मामले में जो यहाँ के लोकल के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से इस मामले को कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह जय श्री राम के नारे लगे, सबसे पहली वीडियो जो न्यूज़मैक्स ने आपको दिखाई थी उसमें हमने बताया था आपको, जिस तरह जय श्री राम के नारों के साथ इसी मस्जिद पर हमला करने की पूरी कोशिश हुई, उस पूरे मामले को कम्युनल बनाया गया, उसमें यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है और इस चीज़ पर पुलिस को रोक लगानी चाहिए। गाज़ियाबाद से कैमरा पर्सन नाज़िम अली के साथ न्यूज़मैक्स के लिए साहिल नकवी।